हेलो हैवियर। ए ड्रेस, कैसे हो? ठीक हूँ। ए सी, तुम लेट हो, पता है ना मैं जल्दी में हूँ। तुम तो हमेशा ही जल्दी में रहते हो। मैंने सारे चार्ट्स वहीं रख दिए हैं, वो अभी के हैं। बिजनेस भी नया है, बोट आराम से भर जाएगी। कल सुबह के लिए 8 लोग हैं, तो 9 बजे तक पक्का पहुँच जाना। मेरी किस्मत तो लॉस आर्कोस के आसपास चमकती है, लेकिन ये जगह लगता है तुम्हारे लिए बनी है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें खुद ही सब कुछ करना होगा। ओ, ये तो दुख की बात है। हाँ, पर कोशिश करना कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। तो 2 महीने में मिलते हैं। ओके। और हाँ, बोट को डुबा मत देना। बाय। तुमसे तो अच्छा ही चला लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। तुम्हें क्या लगा QE2 होगा? कैसे हो मेरे दोस्त? शायद तुम्हारे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, इसलिए तुम वापस आ गए। ये चंद दिनों की बात है। अब वहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? आ जाओ। चलो। क्या तुम अभी भी उन रईसादों के लिए बोर चलाते हो? पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, मेरी ड्यूटी लगी है। सही है ना? चल अब अपने पेपर दिखाओ। अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं सही में, अपने पेपर दिखाओ। ओह ठीक है कैप्टन साहब। सॉरी दोस्त, आप पहले जैसे कुछ नहीं रहा फेस, यू नो। तुम कालदरों को जानते हो ना? हाँ। वो लोगों को उनके बोर्ड्स पे रहने की इजाजत नहीं देता। उसकी मर्जी कब से चलने लगी? वो अब हार्बर पेट्रोल का कैप्टन है।
तो अब उसके कहने पर सब चलेगा। वाह 100 टन मास्टर। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ मेरे पास और कहीं रहने की जगह नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो ट्रेस? कुछ ही हफ्तों के लिए मेरे लिए ट्रेस, ट्रेस, सुनो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। वैसे मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। ये लो। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं ये तो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। जानता हूँ जानता हूँ। इससे लड़कियाँ तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। इससे लड़कियाँ पास आती है? हाँ सर ये काम करता है। थैंक यू थैंक यू। कालद्रोन को पता नहीं होना चाहिए। मुझे अपना जॉब नहीं गवाना। हेल्प के लिए थैंक्स दोस्त रियली थैंक यू। आ जाओ साथ में ड्रिंक करते हैं। गरम बियर पिएगा? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चीयर्स। तो अभी भी ये पीता है? बंद है और आगे भी कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा? बोट से गिरना एक सोलो सेलर के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों लड़कियाँ आज रीफ तक तैरने वाली हो? एरोन ने नॉर्थ में पिछले हफ्ते एक व्हेल देखा था। अपना ध्यान रखना ओके? घबराओ मत व्हेल्स को दांत नहीं होते। तुम साउथ की ओर ही रहना ओके? यू प्रॉमिस? थैंक यू लुइस। बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ क्या यही है इमिग्रेशन ऑफिस? मैंने सुना था कि तुम जल्द ही आने वाले हो। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तुम कैसे हो? कैसी हो तुम? तुम्हारी मॉम कैसी है? अभी भी मेरे लिए कर्फ्यू है। लगता है तुम पकड़ी गई। ओह प्लीज। सो सॉरी। ये देखो हमारे बिल में कौन आया है। कैसे हो? बस काम में यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ। तुम बताओ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है? आप ग्रेस मैकग्रॉ समुद्र से वापस आ गए। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ। तू बता ये जगह कैसी लग रही है? अच्छा ही लग रहा है। नया पेंट किया है। दीवारें भी अच्छी हैं। हे ड्रिंक्स? हाँ जो भी फ्री है तुम्हारे लिए। नहीं दोस्त आजा बैठे। ऐसे मत बोल यार ऐसे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। हेलो स्टीव। पेड्रो टेकिला। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चल रहा है ठीक चल रहा है। कैरल मेरे दोस्त से मिलो। ट्रेस फॉर्च्यून 500 का कैप्टन ट्रेस। ये है मेरी दोस्त कैरल। मिलकर अच्छा लगा। ये पिछले साल ही आई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने के लिए। अच्छा क्या पढ़ाती हैं आप? हाँ मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाती हूँ जिसका फोकस है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। तो समझ गया ना। चलो पीते हैं। सलूट। ट्रेस चीयर्स। ग्रेसियस। तो बताओ यार तुम हमेशा आते हो तो कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। इस बार क्या एडवेंचर है? जिसके साथ एडवेंचर किया उसका नाम ही याद नहीं है। नहीं यार सही से बोलो। ठीक है सही बताता हूँ। इस बार जब मैं जहाज पर निकला तो कुछ पायरेट्स ने मेरा पीछा किया। हाँ मैं ये छोटा सा काम कर रहा था बस इस बोट को कोलालंपुर ले जाना था और कुछ पायरेट्स आ गए स्पीड बोट में तेजी से हमारे करीब आकर हम पर गोलियां चलाने लगे और पलक झपकते ही वो बोट पर आ गए और मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई पहले लड़कियों को बचा। और फिर मैंने उन पर हमला किया वो भी मेरे फ्लेयर गन से और मैंने उन्हें मारा
फिर तो वो भागे होंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। पर इससे वो डर गए और बोट छोड़कर भाग गए और सारी लड़कियों को मैंने इम्प्रेस कर लिया। पर एक बात बताता हूँ, दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं घर वापस आ गया हूँ, अपनी किस्मत आजमाने। हे दोस्त, कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम स्नॉर्कलिंग के बिजनेस में खूब तरक्की करोगे। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आज से मैं समुद्री खजाना ढूंढूंगा। फ्रेस, कम ऑन, हम सब तुम्हें जानते हैं, तुम सिर्फ लोकल टूरिस्ट को लूट कर पैसा बनाने वाले हो। यही तो आइडिया है। चलो एक और ड्रिंक हो जाए। हाँ बिल्कुल। किसी को दूसरी ड्रिंक चाहिए? तुम श्योर हो? तुम्हें नहीं सीख, तुम्हारा हिसाब मैं जानता हूँ। रीटा, लगता है इसे मेरी बातें ज्यादा पसंद नहीं आई। सैलूट। ठीक है, एक घंटे में मिलते हैं। वो समुद्री लुटेरे मेरे बोट पर आए थे। ओह, तो उस वक्त मैं बहुत डर गया था। रीटा, माइकल कर्शनर का कॉल था, वो एक घंटे में मिलना चाहते हैं वाटर पोलो मैच के बारे में बात करने के लिए। मैं तुम्हें मीटिंग के बाद कॉल करती हूँ, ओके? आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, हम बाद में मिलेंगे, और उसे कोई जबरदस्ती मत करने देना। घबराओ मत, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी, ओके? बाय बाय, नाइस टू मीट यू। ओके गाइस, बाद में मिलती हूँ, मैं चली बीच पर। वो मैं अभी अभी आया और तुम जा रही हो, कोई जरूरी काम है क्या? पुरानी जगह चल रहा है यादें ताजा करने के लिए। हाँ, मैं जरूर वहाँ जाना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा? छेड़खानी करना बंद करो। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ओके बाय। आपको कहाँ जाना है? मुझे माइकल से मिलना है। ठीक है, इस तरह। थैंक यू। हेलो, कैरल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, हमेशा की तरह। थैंक यू। क्लासेस को रीअरेंज करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। सुंदर है ना? तो या वेल, मेरा एक आइडिया था वाटर पोलो मैच को लेकर, क्यों ना हम उसे ठीक यहीं करें, एकदम मरीना के सामने। क्या लगता है तुम्हें? कनाल में पोलो बहुत सही रहेगा, नहीं? मेरी लड़कियां पूल में खेलती हैं, क्या बताऊं, ये चैनल वाटर पोलो के लिए नहीं बना है। कैरल सुनो, हमने हमारे पूरे प्रोग्राम को बदला है वाटरवे के लिए, तुम्हारा मैच ग्रैंड फिनाले होगा। पर इन बोट्स का क्या? और बोट्स की चिंता मत करो, मैंने ट्रैफिक को बंद करने का अरेंजमेंट किया है जब तक मैच पूरा नहीं होता, और मैंने कुछ पेट्रोल बोट्स भी लगाई हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं पता ये कैसे। जानता हूँ तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब मैं तुम्हारी कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम राजी हो जाओगी। मैं ऑलरेडी यॉट क्लब के कोच से बात कर चुका हूँ, वो पूरी तरह सहमत हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलें। लड़कियों को बहुत बुरा लगेगा। हाँ ओके, ठीक है, हम कुछ करते हैं। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें पेट्रोल बोट्स मंगवानी होगी, और उसके साथ मुझे सेफ्टी गार्ड्स भी चाहिए। ये आसान था, चलो लंच पे चलते हैं।
ऑब्वियस मुझे डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहे हैं और ये सिग्नल है किनारे के पास। रियली? सर्च और रेस्क्यू एक्सरे टैंगो 649 सबको सूचित किया जाता है। हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है किनारे के पास। सारे यूनिट्स को अलर्ट किया जाता है कि वो लोकेशन पर फौरन पहुंचे। इंट्रीगिंग लड़की हो, डाइविंग चैंप, बायोलॉजी मेजर, प्रिंसटन ग्रैड। एक सवाल है मेरे मन में, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से। उनका एक फेलो इंस्टीट्यूट था मरीन इंस्टीट्यूट में 80s में। साइंटिस्ट? हाँ दोनों भी। उन्होंने एक साल के लिए यहाँ क्लाइमेट चेंज की स्टडी की थी। तुम्हें कोई डिजर्ट या कॉफी वगैरह चाहिए? नो थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं। मैं एक एप्पल पाई और कॉफी लूंगा। थैंक्स। सुनो कैरल, मैं ये सोच रहा था कि रेगाटा के बाद क्यों ना हम ड्रिंक के लिए चलें? नहीं, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम पैराडाइज विलेज में सोशल डायरेक्टर बनना चाहोगी? ये एक अच्छा काम है, फैमिली रिजॉर्ट में बच्चे भी हैं, तुम्हें पसंद आएगा। सोच के बता सकती हूँ? ड्रिंक्स की जॉब? वो भी सोच के बताती हूँ। काफी देर हो गई है, आई एम सॉरी पर मुझे जाना होगा। लंच के लिए शुक्रिया माइक। कैरल, ये एक सीरियस जॉब ऑफर है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। रीटा, कैरल बोल रही हूँ। मुझे बताओ तुम बीच पर कहाँ हो। बाय। तो अब हम बात करेंगे मैच की। हमारी फील्ड बिल्कुल इसी तरह की होगी, सिर्फ एक बात है कि गोली फ्लोर को टच नहीं कर पाएगा। अपने हाथ पैर चलाते रहो, हम हर 10 मिनट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके ओके ठीक है गर्ल्स, गोल की तरफ तैर के दिखाओ और फिर ड्राइव पास ड्रिल। कम ऑन, सबसे पहले चलो चलो चलो। इधर इधर इधर, नाइस कैच। जिनर ये फाउल है, उसे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपनी पासिंग और गुस्से पर ध्यान देना चाहिए। एमिलिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अच्छी खेल रही हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जिनेल? आज के लिए इतना ही काफी है, शावर ले लो। क्या तुम अपना गाड़ी धुलवाना चाहोगी? आज नहीं थैंक्स। ओके नो प्रॉब्लम। संभल के आना, आराम से। मजा आ गया। वेरी गुड, आ जा आ जा। राइड काफी अच्छा था। थैंक यू। यू वेलकम। और याद रखिए, अगर आपको अगली बार कहीं जाना हो तो मेरे साथ ही जाइएगा। हेलो। ए कैरल दी एक्वेटिक इको कोच,
ट्रे समुद्री लुटेरों से भागने वाला। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा था रीटा यहाँ होगी, उसने कहा था मुझसे वो मिलेगी पर पता नहीं कहाँ चली गई। उसने मुझे भी कहा था कि वो आएगी, वो ऐसी ही है कहकर भूल जाती है शायद, पर वो बीच पर स्विम करने गई थी, मुझे उसकी चिंता हो रही है। नहीं वो ठीक ही होगी, वैसे मैं कुछ देर में यहाँ से निकलने वाला हूँ तो अगर वो मुझे दिखेगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं भी उसे बीच पर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, शायद वो वही हो। मैं कह रहा हूँ ना वो ठीक ही होगी। ओके बाय बाय बाय। प्लीज अपना लोकेशन बताएं। कोस्ट लाइफ गार्ड, मैं मेक्सिकन सर्च रेस्क्यू टीम से बात कर रहा हूँ, ओवर। प्लीज 20 डिग्री नॉर्थ और 105 डिग्री वेस्ट की तरफ बढ़ते रहना, ओवर। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सर्च एंड रेस्क्यू, दिस इज वलाद लाइफ गार्ड। हम रीफ को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आई रिपीट, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। रोजर दैट। पुएर्टो लगाता लाइफ गार्ड, मैं मेक्सिकन रेस्क्यू टीम से बात कर रहा हूँ, प्लीज अपना लोकेशन कंफर्म कीजिए, 20 डिग्री नॉर्थ और 105 डिग्री वेस्ट की तरफ, ओवर। रोजर दैट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम देखो, वो रहा पानी के अंदर, दिख रहा है? वो क्या चीज है? हमारी ओर बढ़ रही है। कहाँ गई? उसे ढूंढो, पीछे जाके चेक करो। वो क्या चीज़ थी? कहाँ गई? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अरे क्या है? अरे आए! अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, पकड़ लिया। अरे जल्दी करो। मेडे मेडे मेडे, लॉस मुएर्तोस रीफ, जल्दी पहुंचो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ वो कोई शार्क नहीं थी, ओके? एक शार्क किसी लाइफगार्ड बोट को नहीं खाती, एक शार्क के बड़े बड़े सींग नहीं होते। ट्रेस, मुझे पता है जो तुमने देखा उससे तुम अपसेट हो, पर तुम पागल नहीं हो। क्या हुआ? आज ये बन क्यों है? आज ट्रेस का दिन खराब जा रहा है। इसने टाइगर शार्क को दो लाइफ गार्ड पर हमला करते हुए देखा। वो कोई टाइगर शार्क नहीं थी। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी पर मैं अभी तक रीटा को ढूंढ नहीं पाई और मुझे घबराहट हो रही है। ओह, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें पानी चाहिए? हाँ। ने लॉस हुए तो रीफ में चारा डाला था। कैप्टन कैलरॉन को लगता है कि इसी वजह से हादसा हुआ होगा जिसमें दो लाइफ गार्ड मारे गए और एक लोकल महिला की जान भी गई जिसका नाम था रीटा वाल्डेस। आज घोषणा करते वक्त पुलिस चीफ कैप्टन कैलरॉन ने डॉक्टर फ्रैंक रीव का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस थ्रेट को समझने में मदद की। अगला कार्यक्रम रैंडी जॉनसन विद स्पोर्ट्स। वो कोई शार्क नहीं थी। ट्रेस बस चुप हो जाओ, ओके? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने पूरी जिंदगी समंदर पे बिताई है, मैं जानता हूँ वो टाइगर शार्क नहीं थी। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। ट्रेस,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रीटा यहाँ मेरी पहली दोस्त थी। वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। किसी वजह से उसे लगा कि मुझे सोशल लाइफ की जरूरत है। रीटा हमेशा सबकी मदद करती थी। उसने मेरे बर्थडे का पता लगाया और लुइस के बार में मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की। मैं किसी को नहीं जानती थी, पर रीटा ने मुझसे कहा कि इसी तरह नए दोस्त बनते हैं। लगता है हम सबके पास रीटा की ऐसी एक कहानी है। तुम्हारी क्या है? वो मुझे खिलाती थी। बचपन में मैं और रीटा एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों एक ही स्कूल में जाया करते थे। उस वक्त शायद हम 6 या 7 साल के होंगे। मैं बहुत गरीब था, इतना कि खाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो रीटा हर रोज मेरे लिए एक्स्ट्रा लंच लाया करती थी। रीटा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि प्यार से बने खाने का स्वाद कितना अच्छा होता है। वो चीज अब भी वहां कहीं है, और जब तक हम साबित नहीं करते, ना लुइस, ना न्यूज चैनल वाले, ना कैलडेरॉन, कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। मेरी मदद करोगी? रीटा यहां मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हाँ, मेरी भी। बहुत अच्छी दोस्त। लो, हम पहुंच गए। कैसी लगी तुम्हें ये जगह? ग्रेट। वाओ, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कितनी शानदार जगह है, बिल्कुल शांत और प्राइवेट। ड्रिंक लेना चाहोगी? लगता है तुमने सारी तैयारी कर रखी है। My pleasure. Cheers to us, meri jaan. जब मैं एस्पेन से निकली तो वहां बहुत बर्फ गिर रही थी। क्या वो तुम्हारी बोट है? तुम देखना चाहोगी? हाँ, चलो। मुझे इस पे घुमाने ले चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्यों ना हम पहले स्विमिंग करें और उसके बाद लंच। ओ, मुझे नहीं लंच ये करना। स्विम सूट काफी अच्छा है। नहीं नहीं, नो स्टीव, स्टीव आई एम सीरियस, मुझे पानी में नहीं जाना, मजाक मत करो। नहीं, तुम नहीं, किसका वेट कर रही हो? हम दोनों स्विमिंग पूल में जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्टीव, तुम तो गए। यहाँ नीचे कुछ है। क्या? बचाओ। बहाने बनाना बंद करो। स्टीव, मैं मजाक नहीं कर रही, बचाओ मुझे। लॉइस, Ha ha ha!
तुम इस जगह को अच्छे से जानते हो, है ना? मेरा सारा बचपन यहीं बीता है। स्कूल से ज्यादा वक्त मैं यहाँ रहा हूँ। मेरे डैड यहाँ के यूएस नेवी बेस में काम करते थे। क्या तुम्हें उनकी तरह नहीं बनना था? कोशिश तो की थी। अपने डैड को खुश रखने के लिए मैंने कुछ साल इसकी पढ़ाई भी की, पर वहां कभी मेरा मन नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तब से मेरे डैड ने मुझसे बात नहीं की। अभी वो कहाँ है? पता नहीं, स्टेट्स में कहीं है। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं। वैसे मुझे दखल तो देनी नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों को जैसे हमारे पेरेंट्स, उनको चीजें एक्सेप्ट करने में वक्त लग जाता है और उससे उन्हें तकलीफ होती है। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाखुश हैं? मेरे लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना नामुमकिन है। अब तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि कुछ बुरा ना हो। तुम्हारे उस खजाने का क्या? हाँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें वो दिख रहा है? क्या है वो? पता नहीं, वो यही स्टार बोर्ड के पास है। बस बोर्ड को राइट की तरफ रखना। ये क्या है? इसे ईपब कहते हैं। पानी में गिरते ही इसमें से एक इमरजेंसी सिग्नल निकलता है। अगर तुम्हारी बोट डूब जाती है तो एक जीपीएस सिग्नल भेजता है कोऑर्डिनेट्स के साथ। हर बोट में एक होती है। क्या इस पे लिखा है वो किस बोट से रजिस्टर्ड थी? पहले इस पे से ये तो हटा। रुको रुको, मुझे ये देखने दो। बिल्कुल, देखो। फिनसिका, ये है मेक्सिकन सर्च एंड रेस्क्यू, ओवर। आपकी पिछली इंक्वायरी के अनुसार ये ईपब उस सेल बोट का है जो अलास्का के कोस्ट पे खो गई थी, ओवर। रिपीट दैट, क्या आपने अलास्का कहा? ओवर। अफर्मेटिव। ताज्जुब है कि हमें सेम सिग्नल मिला था लाइफगार्ड्स के जस्ट गायब होने से पहले। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये इतना साउथ की तरफ कैसे आ गया। क्या आप इसे हेडक्वार्टर्स लेकर आ सकते हैं? ओवर। रोजर दैट, ओवर एंड आउट। अलास्का? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर। यही है जो मैंने देखा था। मुझे ये डॉक्टर रीव्स की वेबसाइट पे मिला। ट्रेस, ये स्पीशीज 15 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तुम इसके बारे में कुछ भी कहो, मुझे यकीन है मैंने इसे ही देखा था। क्या तुम्हें लगता है ये स्पीशीज अब भी जिंदा है? कुछ कह नहीं सकते। चलो मान लेते हैं कि ये स्पीशीज अब भी जिंदा है। हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से साउथ के गर्म पानी में ये स्पीशीज पनप रही हो। ये उस बोट में था,
जो अलास्का में खो गया और 5 दिनों के बाद ये यहां पर मिला, ठीक है, 2500 किलोमीटर दूर। तुम्हें लगता है इसने जर्मी लॉन्ग की बोट को अटैक किया होगा? हाँ, और उसका इमरजेंसी बीकन निकल लिया और फिर साउथ के गर्म पानी में चला गया, पर बीकन उसे हजम नहीं हुआ तो उसने उसे उल्टी करके निकाल दिया। हम इसे खत्म कैसे करें? हमें इस बात को पुलिस तक ले जाना होगा। अच्छा, और उनसे क्या कहेंगे? जहाँ तक उनका मानना है ये केस क्लोज हो चुका है। मैं इस बारे में डॉक्टर रीव से बात करूंगी, वो मेरे डैड के साथ काम कर चुके हैं, वो मेरी बात सुनेंगे। और उन्हें लगेगा कि तुम भी मेरी तरह पागल हो गई हो। ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैं इसे ले जा रही हूँ, इसमें जो रेसिड्यू है मैं उसे डॉक्टर रीव्स की लैब में स्टडी करने के लिए भेज रही हूँ। डीएनए मिलते ही हम साबित कर देंगे कि वो अब भी जिंदा है। ट्रेस, प्रॉमिस करो कि जब तक मैं डॉक्टर रीव से बात नहीं करती तुम कुछ भी नहीं करोगे। ट्रेस, ठीक है। कैरल, थैंक्स। डॉक्टर रीव्स, मैं हूँ कैरल ब्रूबेकर, आपने मेरी क्लास में लेक्चर दिया था। मुझे याद है, कार्ल ब्रूबेकर की बेटी, उनकी क्लास बहुत मजेदार हुआ करती थी। रीटा वाल्डेज मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी जो लॉस मुएर्तोस में मारी गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए, ये लो, आओ मेरे साथ। ट्रेस ने इस पिक्चर को देखते ही पहचान लिया था कि उसने इसी को देखा था। कैरल, ये बस एक आर्टिस्ट की सोच है। ये आपके वेबसाइट पे है? हाँ, पर ये सिर्फ कई अनकन्फर्म्ड साइटिंग्स में से एक है। ऐसे और भी हैं? जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना। लेकिन हमें जब तक इन स्पीशीज के होने का पक्का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये स्पीशीज आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये वही बीकन है जिसके बारे में मैंने कहा था, इसमें उस स्पीशीज का डीएनए मौजूद हो सकता है। इसकी टेस्ट कीजिए प्लीज डॉक्टर रीव्स। जरूर। ट्रेस, तुमने प्रॉमिस किया था।
तलाशी लेनी है। आई रिपीट, इंजन बंद करो। स्टॉप योर इंजन। हाँ, इंजन बंद हो गया है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना, है ना मैग्रू? हाँ, अब क्या करूँ, आदत से मजबूर हो चुका हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक नो वेक जोन में तुम 10 गुना ज्यादा स्पीड से क्यों चला रहे थे? नहीं, एक्चुअली नहीं। क्या तुम्हारे पास इस हथियार का रजिस्ट्रेशन है? विक्टर, देखो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हारी प्रमोशन हो गई और अब तुम जैसे लोगों को भी नौकरी मिलने लगी है। और मैं चाहता तो हूँ कि यहाँ रुक कर तुम्हें थोड़ा और इंसल्ट करूँ, पर मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है? ओह, तो क्या मैं तुम्हें कोई हथियार दे दूँ या थोड़ा फ्यूल दे दूँ? देखो विक्टर, हाँ, वो चीज जिसने रीटा और उन लाइफ गार्ड्स को मारा, वो कोई शार्क नहीं है, वो एक अलग तरह का शार्क है, जैसे जैसे कि एक डायनासोर। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसे देखा है, वो यहीं पर है, वो लोगों के करीब बढ़ रहा है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अगर अभी उसे किसी ने रोका नहीं तो हो सकता है और भी लोग मारे जाएं। कब तक तुम्हारी ये बकवास चलती रहेगी बताओ? हो सकता है उन्हें एक टाइगर शार्क ने मारा हो। नहीं, ये गलत। मेरे पास तुम्हारा बोट सर्च करने का वारंट है। सर्च? पर तुम क्या सर्च करोगे? वो तुम हम पर छोड़ दो। जाओ, ठीक है, जो करना है कर लो, आ जाओ बोट को सर्च कर लो। तुम्हारी प्रॉब्लम डायनासोर जैसे दिखने वाली शार्क नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम्हारा पार्टनर जोरा 40 पाउंड्स मेरुआना के साथ बॉर्डर पर पकड़ा गया है। क्या मेरा पार्टनर? वो मेरा पार्टनर नहीं है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब मैं तुम्हारा बोट जब्त करूंगा। ओके अर्नेस्टो, इस बोट को जब्त करके अपने साथ ले चलो। हाँ, पहले इस पे चढ़ के तो दिखाओ। ठीक है, शांत हो जाओ, ये कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है। चलो चलते हैं। Alright. क्या तुम मजाक कर रहे हो? ओह वेट, मैंने शायद इसे गलत लगा लिया। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं, आ जाओ। Alright, babe. ठीक है, तुम आगे रहो, मैं पीछे का देखता हूँ। तुम्हें बस रो करना है और मैं तुम्हारे रो से मैच करूंगा, ठीक है? Here we go. 1, 2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पैडल पैडल पैडल, जरा देखो तो, ये कितना आसान है। ओके, और ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हारे स्ट्रोक को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह, तुम तो जल्दी सीख गए। कम ऑन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तुम थक गए हो क्या? बस सीधे रोक करते रहना, ठीक है? इसकी कैप्टन मैं हूँ, समझे? तुम ये बोट डुबाने वाली हो। टॉम, हमारे पीछे कुछ आ रहा है। फिक्र मत करो, वो एक डॉल्फिन है। मुझे नहीं लगता, ये डॉल्फिन से ज्यादा बड़ी लग रही है। वो डॉल्फिन नहीं है, वो एक शार्क है। कम ऑन, रो रो। अरे नहीं, कम ऑन। ओह माय गॉड, स्टॉप। जे रो, नो। बिल्कुल। हे, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हेलो, फिर से मिलकर अच्छा लगा। सैम, हाय, नाइस टू मीट यू। फिर से मिलकर अच्छा लगा। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। यू वेलकम। हेलो साइमन। हाँ फ्रैंक, फ्रैंक, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। श्योर। एल्सा? यस। ये है डॉक्टर साइमन ऑर्टिस, मेरे एक बहुत ही खास कलीग। ओह वेलकम डॉक्टर साइमन, आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स। साइमन हमारे साथ कुछ रिसर्च कर रहे हैं क्रायोबायोलॉजी पर, अब ये एक्सप्लेन करेंगे। मैं बिलो नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले जीव की स्टडी करता हूँ। एंडेंजर्ड फिश जो होते हैं, एंडेंजर्ड फिश। एक्सक्यूज मी, मैं जरा आता हूँ।
माफ कीजिए, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, ये म्यूजिक काफी लाउड है, लेकिन आज हमारा एनुअल फेस्टा है और मैं इतनी खुश हूँ। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। अमीगोस, आपका म्यूजिक वाकई लाजवाब है, लेकिन क्या वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेंगे प्लीज? कुछ आर्टिक स्पीशीज एंटी फ्रीज प्रोटीन्स डेवलप कर लेते हैं जो फिश के आइस क्रिस्टल्स के साथ जुड़ जाते हैं। फ्रैंक, मैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। हाय फ्रैंक, मुझे जाना होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं तो बस उनको साइबेरियन स्टर्जन के बारे में बता रहा था और उन्हें ये समझा रहा था कि कैसे मैं उनका डीएनए फ्रीज करके उन्हें स्टडी कर रहा हूँ। साइमन, जरा मेरे साथ आओ, मुझे एक चीज पर तुम्हारी राय जानी है। ओके। कुछ है जो मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक प्री हिस्टोरिक स्पीशीज इस तरह बर्फ में जमकर जिंदा रह सकती है? मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है, पर क्या ये असंभव है? नो। तुम्हें पता है ट्रेस कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता, शायद लास्ट मिनट मुझे कोई कस्टमर मिल गया होगा। वो उस डायनो शार्क को पकड़ने गया होगा, मुझे पता है। क्या? हेलो, हेलो, कैरल, माइक बोल रहा हूँ। सुनो, ये रेगाटा परेड जो है अपने टाइम से थोड़ी देर बाद शुरू होगा, तो मैं सोच रहा था अगर हम 3 बजे तक पोलो मैच को डिले कर सके तो। श्योर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यॉट क्लब कोच को बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ? Well, तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो और आज रात डिनर पे मिलो मुझे। मैं अभी तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती हूँ माइक, मैं तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ। ओके? नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, अगर तुम कल फ्री हो तो कल मिलते हैं। नहीं, कल रात को तुम क्या कर रही हो? हेलो, तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ, ट्रेस का फोन था, वो डॉक पे ही है। लुइस, वो चीज कनाल में ही है। सब कुछ यहाँ शांत था जब तक ट्रेस मैकग्रॉ यहाँ नहीं आया था। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? तुम करती हो? मुझे लगता है उसने एक डायनो शार्क देखी होगी, उसने उसे गहरे पानी में देखा होगा और हमें उसे रोकना होगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ये स्टीवन डॉगर है, हमें उसे वार्न करना चाहिए। हाँ, उसके डॉग से कनाल बुरा दिखता है। स्टीव, हे स्टीव, 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 मुझे वो दिख नहीं रहा, शायद उसे कोई नई लड़की मिली। हाँ, ऐसी लग रहा है। स्टीव,
ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था। अब वो किस तरफ जा रही है? Let's go. तुम्हें पता है ना ये कैनाल नेशनल पार्क की तरफ ले जाता है। यहाँ से कितना दूर है? कुछ 20 किलोमीटर। वहाँ टिको टर्न ऑफ के पास पुंटून बैरियर है जहाँ उसे रोक सकते हैं। उसके बाद उसे पानी में उड़ा देंगे। ठीक है। वाओ, ऐसी स्पीशीज तो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो हमें उसे पकड़कर बेहोश करना चाहिए और फिर उसकी स्टडी करनी चाहिए, है ना? पहले हम इसे मार देते हैं, फिर तुम इसे अपनी दीवार पे टांग देना। मुझे इसका आइडिया ज्यादा पसंद है। इसके लिए हमें एक्सप्लोजिव्स की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ अपने आर्मी बेस के दोस्तों से। ठीक है, ऐसा ही करना। स्टीव की कार लेके जाओ। तुम दोनों उसको ट्रैक करते रहो, मैं तुम्हें बैरियर पे मिलूंगा। कैल्डरॉन, मैं बिजी हूँ। क्या काम है? तुम्हारे लिए कॉल है। हेलो इंस्पेक्टर कैल्डरॉन, मैं कैरल ब्रूबेकर बोल रही हूँ। एक और शार्क अटैक हुआ है जिसमें दो लोगों की जान गई। कहाँ? 33 डेल सोल। कम से कम दो लोग, स्टीव लॉगिंग्स और एक औरत। इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं। हम अपनी तरफ से उसे ट्रैक करके रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए प्लीज। अभी भेजता हूँ। बाय। उन्होंने कहा वो किसी को भेजेंगे। इससे काम बन जाए। पेड्रो, पेड्रो, गाइस, अपने दोस्त से मिलने आए हो? उस पॉन्टून को अपनी जगह पर रखने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगेगा? मुझे नहीं पता। क्यों? पेड्रो प्लीज, क्या तुम उस क्रेन को चला सकते हो? एक्चुअली मैं वेट कर रहा था। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमें उस पॉन्ट्रोन पीस को नीचे लाना ही होगा। चलो जल्दी करो, कम ऑन। ओके ओके, ठीक है, उसे नीचे उतारो। धीरे धीरे, चलो सही है। बिल्कुल पानी के पास ले जाओ और उसको पानी के ऊपर ही रखना। लेट्स गो। जान से पेड्रो, उसे नीचे लेके आओ। दैट्स इट, और नीचे ले लो। संभल कर। और नीचे लूं? हाँ नीचे, हाँ नीचे, नीचे नीचे, और नीचे, और नीचे। हाँ बस इतना काफी है। हम इससे क्या करेंगे? इस पॉन्टून की दोनों तरफ आइलेट्स हैं जो इसे बीच में लॉक कर देती है। एक बार ये जुड़ जाए तो वो निकल नहीं पाएगा। तुम ये कैसे करोगे? अनफॉर्चुनेटली मुझे नीचे जाना पड़ेगा। और मुझे क्या करना होगा? बस उम्मीद करो कि वो मुझे खाए। मजाक का वक्त नहीं है। हाँ इसे ऊपर ले लो। चलो धीरे धीरे ऊपर ले लो। काम हो गया? ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बाकी है। कैरल रुक जाओ। कैरल, कैरल, कैरल बाहर निकलो। कैरल ऊपर आओ। कैरल, कैरल ऊपर आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ पर आओ जल्दी आओ।
देखो हमने उसे यहाँ कैद कर लिया है इस कैनल में। हे, तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। ओके, देखो हाथ ऊपर। क्या हुआ? चल हाथ ऊपर कर। विक्टर मेरी बात सुनो, हमने उस चीज को कैद कर लिया है। वो यही है इस कैनल में। अच्छा, वो यही है, यकीन करो। सच में मैं डर गया। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो ट्रेस, तुम अचानक कहीं से आ जाते हो और उसके बाद पता चलता है कि चार लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एक मिसिंग कार और मेरवाना जो तुम्हारे बोट से मिली। हमने इसे कैद कर लिया है, अगर तो बताओ उसमें मैं क्या करूं? हाँ, मैं चाहता हूं तुम इस चीज को रोको। मैं किसे अरेस्ट करूं, उस डायनासोर को? क्या तुम्हारा डायनासोर भी मेरवाना लेता है? फायर अभी उस तरफ, वहां फायर करो। रुकना मत, वहीं पर फायर करते रहो। हमें मारना है उसे। फायर, कम ऑन, रुक जाओ। अरे कोई बचाओ। मैं इसी की बात कर रहा था। 15 करोड़ साल पुराना शार्क और वो भूखा है। हमें इसे पकड़ना ही होगा। ओके, ये वाटरवे कई कनाल से होता हुआ स्वाम्प में जा पहुंचता है। कनाल्स, ये कनाल्स फिर से समंदर में मिलती है, मतलब उसके पास यहाँ से बच निकलने का मौका है। हाँ, लेकिन ये वाटरवे ज्यादा चौड़ा नहीं है और ये शैलो भी है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक हेलीकॉप्टर मंगाकर इसे स्पॉट करूंगा और फिर इसे मार दूंगा। कंट्रोल रूम में कॉल करो। ओके सर। और पार्क को खाली करो, डायनोशार्क हंटिंग सीजन अब शुरू हो गया है। हेलो कंट्रोल रूम। अच्छा सुनो, मैं वो बोट लेकर जाऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हें मिलूंगा। सुनो ट्रेस, मैं चाहता हूं तुम इससे दूर रहो। ओके, ये हम पर छोड़ दो। उस पर 50 कैलिबर की मशीन गन है, अब वो डायनो शार्क नहीं बच पाएगा। अब यहाँ शार्क दिख गई है, ठीक है, हमारे नीचे। ये क्या हुआ? तुम्हें इससे बड़े चॉपर की जरूरत पड़ेगी। कितनी ट्रैफिक है कैरोल। लुइस तुम कहाँ हो? एस्किंडिडो, मैं एक फेडरल चेक पॉइंट पे फंसा हुआ हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। वो एस्किंडिडो में फंस गया है। उसे बताओ कि ये नेशनल पार्क में है, हम उसे पुंटा डेल फ्लेमिंगो पे मिलेंगे, उसे जगह पता होगी। हाँ मैं समझ गया, मैं 30 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तुम्हें जल्दी करना होगा लुइस। मैं एक प्रेजेंट भी लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें ये जगह याद कैसे रहती है? मुझे तो सब एक जैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मैं और लुइस यहाँ अक्सर आया करते थे, हम इस जगह को अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहाँ से आगे पुंटा डेल फ्लेमिंगो होगा। Thank you.
वाह कितनी प्यारी जगह है ना। मुझे ये शूज नहीं पहनने चाहिए थे। अच्छा हम यहीं रुकते हैं, ये जगह अच्छी है। थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ बिल्कुल। ओके okay. थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, ले ले। डैड क्या मैं उधर पानी की साइड हाँ, ले सकता हूँ? क्यों नहीं, पर अपना ख्याल रखना। ओके बस पानी से थोड़ा दूर रहना। दूसरी बॉटल कहाँ है? हाँ मिल गई। अच्छा कुछ खाओगी? मुझे अभी नहीं खाना, यहाँ तो टॉयलेट्स भी नहीं है। अब क्या करना है? वो देखो ऊपर, वो क्या है? हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ टॉयलेट्स मिल जाए। यहाँ से निकलो पागल मगरमच्छ। बहुत गर्मी है, तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम्हारी नाव कहाँ है? वहाँ एक मगरमच्छ था और उसे एक मॉन्स्टर ने खा लिया। देखो हम ट्रिप के लिए लेट हो रहे हैं, आ जाओ चलो। हाँ, जल्दी चलो। मैंने कहा था झूठी कहानियाँ मत बनाओ। चलो चलते हैं। वो यही था, मैंने उसे अभी भी देखा। कैल्टरॉन के आदमियों ने उस पर बहुत गोलियां चलाई पर वो भाग निकली। क्या बात कर रही हो? बताओ किस तरफ? उस तरफ। लेट्स गो। हेलो और वेलकम। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी नावें तैयार हैं, तो अब मरीना में एक दिन मजे कीजिए। आज हमने आपके लिए खास बैले फोकलोरिको डांसर्स बुलवाए हैं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और देखिए हमारे साथ कौन है, जॉर्ज। जॉर्ज आप कैसे हैं सर? आपको देखकर अच्छा लगा। ओह गुड टू सी यू टू। बिल क्या आप प्लीज वहाँ बैठेंगे? बाबरा मैंने आपके लिए एक खास सीट रखी है, यहाँ यहाँ से मैच एकदम साफ दिखेगा। हरिकेन गीना ने इस जगह को तहस नहस कर दिया है।
इसने सारे वाटरवेज को धो डाला है। आप लोग ये नक्शा आउट ऑफ डेट है। अब क्या करें? वो क्या है? उम्मीद है हमने ज्यादा देर ना कर दी हो। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन 2009 की पुएर्टो वल्लार्ता रगाटा कप की रेस शुरू हो रही है। ये तो मेन चैनल लग रहा है, हम समंदर की तरफ जा रहे हैं। प्लीज प्लीज वहां पर देखो उधर। वो होटल की तरफ बढ़ रहा है। मेरी लड़कियां लास्ट टाइम तो बहुत मजा आया था, पर पता इस टाइम कौन सी टीम जीतने वाली है। तुम उसके लिए रेडी? हमें तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब, मैं यहाँ का मालिक हूँ। किसी ने मिस ब्रूबेकर को देखा? हमें लगा वो तुम्हारे साथ है। मैच 6 मिनट्स में शुरू होने वाला है। हम कोच के बिना नहीं खेल सकते। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्यों नहीं, हम ही कर सकते हैं। हमने पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की है। जिनेल तुम स्विम ऑफ को लीड करो, मोनिका तुम गोल पर रहो। चलो दिखाते हैं हम भी किसी से कम नहीं। ऑलराइट ऑलराइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, पैराडाइज विलेज कर्व के साथ पेश करता है एक बिल्कुल नया फिएस्टा वीक इवेंट, सिर्फ लड़कियों का वाटर पोलो मैच। हट जाओ, पानी में शार्क है। चलो
लुईस, लुईस, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। कैरल कम ऑन, कैरल, कैरल चलो, हमें इसे रोकना होगा। चलो मुझे तुम्हारी जरूरत है। कैरल, कैरल कम ऑन, रीव, नहीं बहुत देर हो चुकी है, मुझे बताओ इसे खत्म कैसे करें। इस जीव का जो बाहरी लैमिना है वो इसकी ढाल है, सिर्फ ऑर्बिटल कैविटी उसके पूरे शरीर में ऐसी जगह है जो नाजुक है। साफ शब्दों में उसकी आंख, उसकी आंख पर निशाना लगाओ। ओके, रीव को लगता है इसकी आंख इसकी कमजोरी है। चलो देखते हैं। वो पैराडाइज बीच की तरफ जा रही है। हे, नाइस। हे, इस तरफ। हे, कम ऑन, टेक। अरे यार, अच्छा किया तुमने। बैरियर तक रेस लगा। हाँ, क्यों नहीं? फिर मैं तुम दोनों को बाद में मिलता हूँ। बाय बाय। जेट स्कीइंग, विंड सर्फिंग, पैरासेलिंग। बाय बाय। वो चली गई। ये! बेटा वो देखो। जेंटलमैन, ये है पैराडाइज विलेज। इससे पहले कि आप व्यूइंग एरिया तक पहुंचे, ये एक मजेदार मौका है बहिया दे बैंडरस देखने का। अब चलते हैं स्टारबोर्ड की तरफ। आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड फेमस पुएर्टो वल्लाटा रेगाटा। आप इसके तस्वीर खींच सकते हैं, ये आपके जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे। हमारे ऊपर देखते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा उम्दा पैरासेलिंग का। हाय, मुझे यकीन है कि उनका व्यू बहुत जबरदस्त होगा। आंखें खोलकर रखिए और अपना कैमरा रेडी रखिए, क्योंकि शायद हमें एक या दो डॉल्फिन दिख जाए। हे हैंसम, लिफ्ट दोगे? क्या कहते हो दोस्तों, इन जल परियों को ना बोलना मुश्किल है। चलो आ जाओ। ओके, संभल कर, आराम से, फिसलना मत। अरे बाप रे,
पीछे एक शार्क है, पानी से निकल जाओ। तुम्हारे पीछे एक शार्क है, तुम्हारे पीछे एक शार्क है, वहां से जल्दी निकल जाओ, निकल जाओ पानी से। ट्रिस, उसने उस पैरासेलर को खा लिया, वो देखो उधर। इसे संभालो, उसके जितने नजदीक जा सकती हो ले चलो। मुझे नहीं लगता इस बोट की स्पीड उतनी होगी। बस सीधे चलो। कैरल, बोट को कंट्रोल करो। कोशिश कर रही हूँ। बच गया। क्या वो शार्क है? उसने टूरिस्ट बोट पर हमला कर दिया, वो देखो उधर। बचाओ, बचाओ एडी। मॉम, बोट की स्पीड उतनी नहीं है। मॉम, कैरल, मुझे उस जेट स्की तक ले चलो। और नजदीक। मैं कोशिश कर रही हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ,
इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में तेरा स्वागत है, पागल मछली। Thank you.